सुदीप एक ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी करके हर दिन 15 रुपए ही कमा पाता था और वह आज 1600 करोड़ का मालिक बन गया है। सुदीप वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर का है। एक समय पर अचानक उसके पिता और भाई के गुजर जाने से पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुदीप पर आ गई थी। घर के हालात बहुत खराब थे तो उसे फ्रेंड्स की मदद से पहली नौकरी मिली जिसमें उन्हें प्रतिदिन 15 रुपीज मिलता था। सुदीप जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री के ओनर ने फैक्ट्री लॉस के कारण फैक्ट्री बंद करने का फैसला लिया। फैक्ट्री के हर वर्कर नया काम ढूंढने की तलाश में थे। तब कुछ अलग सोचने वाले सुदीप ने फैक्ट्री खुद चलाने का फैसला किया और तुरंत 16,000 जमा किए। खुद का गुजारा नहीं कर पाने वाले सुदीप ने 7 मजदूरों के परिवार की जिम्मेदारी ली। फैक्ट्री खरीदने के लिए सुदीप को फैक्ट्री ओनर को 2 ईयर्स का मुनाफा बांटने का वादा भी करना पड़ा। सिर्फ फेमस कंपनीज को ही ऑर्डर्स मिलने से सुदीप की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे, मगर सुदीप ने हार नहीं मानी। उसको पता था कि यदि उसके कंपनी को आगे बढ़ाना हो तो कोई नया तरीका आजमाना पड़ेगा और साथ ही क्वालिटी भी बनाई रखनी होगी। इसकी वजह से धीरे धीरे सुदीप के कस्टमर्स बढ़ते चले गए। सुदीप की मेहनत दिखने लगी और कुछ समय बाद नेस्ले और सिप्ला जैसे कंपनीज से भी छोटे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे। अब 1600 करोड़ से भी अधिक टर्नओवर की सुदीप की कंपनी का नाम अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल हो चुका है। सुदीप को अपने अव्वल दर्जे के काम की वजह से आज उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति कहा जाता है। आज उनकी कंपनी 16 करोड़ से भी अधिक की है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.